हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे एक न्यू टॉपिक, दैट इज चैप्टर 7, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इन द लास्ट क्लास वी डिड ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फर्दर विद द टॉपिक ऑफ ट्रायंगल्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एस योर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी, दिस इज अबाउट द अन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू कैन गेट फ्लैट 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड SPGSS10। ये कोड यूज़ करके आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल सकता है। ऑल्सो आई विल टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अ लिटिल लेटर इन द क्लास। मूविंग फॉरवर्ड, वेलकम टू द क्लास एवरीवन। आई एम गुरलीन सिंह, योर मैथ्स एजुकेटर। आई हैव 2+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स, ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द UGC नेट एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस। When two figures are congruent, it means that they coincide with each other when superimposed. Coincide क्या होते हैं, एक दूसरे को completely cover कर लेते हैं, ठीक है। Superimposed मतलब एक के ऊपर दूसरा। For example, our palms, ठीक है। If I keep them end to end, they are going to overlap each other, ठीक है। एक दूसरे को overlap कर रहे हैं, means my hands are congruent, ठीक है। ये overlap तभी करेंगे when I keep the index finger with the index finger, ठीक है, मिडिल फिंगर विद द मिडिल वन, रिंग फिंगर एंड अ बेबी फिंगर्स टुगेदर, ठीक है। अगर मैं ऐसे रखूंगी, ऑब्वियसली दे आर नॉट कोइंसाइडिंग, देन दैट मींस कि जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दैट आर नॉट केप्ट ऑन ईच अदर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आई ऑल्सो हैव 2 coins, ठीक है, कॉइन्स की बात करते हैं। अब इफ आई हैव दीज आर द न्यू 20 rupees coins, ठीक है, तो आपको पता होगा कि अब से 20 rupees के भी कॉइन्स आ रहे हैं। सो इफ आई कीप देम ओवर ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर मैं एक 20 rupees का या फिर एक 1 rupee का कॉइन रखती हूँ या 5 rupees का रखती हूँ, दैट इज़ नॉट ऑफ द सेम शेप, ठीक है, उनकी सेम शेप नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मे बी इट्स विजिबल टू यू, कुछ कॉर्नर्स आर लेफ्ट ओवर, दीज आर नॉट कोइंसाइडिंग और कवरिंग ईच अदर कम्प्लीटली, देन आई विल से दैट दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके। So congruence is one when two figures overlap each other. Two figures are congruent when they cover each other completely. So this is what I was trying to say. Okay, just a second. Okay. अब हम बात करते हैं congruence of lines की। अब two lines congruent कब होंगी, overlap कब करेंगे एक दूसरे को, when they are equal in length, when they have the same length. For example, यहाँ पे you can see 2 lines. And if I say this is of 10 centimeter and this is also of 10 centimeter. So I can say these 2 lines, let's name them AB and CD, for example. So I can write it as AB is congruent to CD. ये जो symbol होता है, ये congruence का symbol होता है। हम equal to नहीं लिख रहे हैं, though they are equal in length, but जब मुझे congruent बताना होता है, ओवरलैपिंग वाली प्रॉपर्टी बतानी होती है, आई यूज दिस सिंबल एंड इट सेज दैट द 2 figures, 2 lines और 2 angles आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। अब अगर ए बी की लेंथ फॉर एग्जाम्पल होती 10 centimeter एंड सी डी वॉज 20 centimeter, अगेन एक्सटेंडेड, देन आई वुड से दैट येस, दैट ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, एंड रीजन बींग दैट दे डू नॉट हैव द सेम लेंथ। सो अगर आपको 1 marker क्वेश्चन में या MCQ में या ट्रू फॉल्स में आता है, सो ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्ग्रुएंट तभी होंगी 2 lines व्हेन देयर लेंथ इज सेम, ओके। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू द नेक्स्ट पार्ट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, अब एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स हैविंग द सेम मेजर, मतलब सेम डिग्री के जो होते हैं एंगल्स, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 angles हैं, ये जो बीच का मेजर है इट इज 40 degree, मतलब जब आप इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर कर रहे हो तो ये जो एंगल है वो 40 degree का आएगा। सिमिलरली दिस एंगल इज ऑल्सो 40 degree एंगल। सो इस केस में हम ये नहीं चेक करें कि ये जो आर्म्स ऑफ द एंगल है ये कितनी बड़ी है, मे बी दिस इज दिस बिग, ठीक है, या ये इतना एक्सटेंड हो रही है। वी आर जस्ट गोइंग टू सी कि ये जो मेजर है ये इक्वल होना चाहिए, ताकि जब मैं दोनों एंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ, दे विल कोइंसाइड, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, ठीक है। सो इफ इन द क्वेश्चन गिवन है दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 degree एंड एंगल लेट्स से बी सी डी इज इक्वल टू 30 degree, सो वो पूछेंगे आर दीज 2 angles congruent, सो यू विल राइट नो दे आर नॉट congruent, द रीजन बींग कि उनका जो मेजर है इट इज नॉट इक्वल, इट इज डिफरेंट, ओके। नाउ वी कम टू आर मेजर टॉपिक, द मेन चैप्टर,
that is congruence of triangles. So two triangles are congruent if the following coincide with each other when superimposed. ठीक है, सुपर इम्पोज का मतलब होता है ओवरलैप कर रहे हैं, ये एक के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रख रहे हैं, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, अच्छे से ओवरलैप हो जाना चाहिए, कोइंसाइड हो जाना चाहिए. ठीक है, बेसिकली दे हैव इक्वल वर्टिसेस, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. नाउ टॉकिंग अबाउट वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं, जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स वेयर टू लाइन्स मीट आर नोन एज वर्टेक्स. ठीक है, तो एक ट्राइंगल की तीन वर्टेक्स होती हैं, तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं, पी क्यू एंड आर. सो आई हैव नेम्ड दीज टू ट्राइंगल्स, क्लियर. ओके, अब कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस का क्या मतलब है कि मुझे जो ए है उसको मैं, जब अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं फिजिकली, अब ए को उठा के किसके ऊपर रखना है, आई विल पुट ए पॉइंट अपॉन पॉइंट पॉइंट पी के ऊपर रखूंगी. ठीक है, पॉइंट सी को मैं रखूंगी आर के ऊपर एंड बी पॉइंट को रखूंगी मैं क्यू के ऊपर, लाइक दिस, देन दे विल बी सुपर इम्पोज. सो वर्टिसेस क्या हुई, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस इज ए एंड पी आर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ए कॉमा पी, देन वी हैव बी कॉमा क्यू एंड लास्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगी मेरी सी कॉमा आर. राइट, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि कौन सी साइड्स इक्वल है, कौन से एंगल्स इक्वल है. अब साइड्स की बात करें तो ए बी should be equal to PQ, right? Then we have, अच्छा अगर ये equilateral triangle है तो तीनों ही sides एक दूसरे की equal होगी, but यहाँ पे given नहीं है कि equilateral triangle है, so I have to see कि कौन सी sides जो हैं वो एक दूसरे के equal है. Then we have BC should be equal to QR and at the end AC should be equal to PR, clear? अब corresponding angles की बात करते हैं. Angle A, ठीक है, will be corresponding to, will be equal to angle P, ठीक है, angle B will be equal to angle Q and angle C will be equal to angle R, right? So they are corresponding. Corresponding को हम इससे भी दिखा देते हैं कि मतलब these will be overlapped with each other. तो A angle A को angle P के ऊपर रखेंगे, ठीक है, angle B को रखेंगे angle Q के ऊपर and angle C will be placed upon angle R. So this is how you see the corresponding vertices, sides and angles. Right, so this will be more clear when we will solve the questions based on these. Now, to find out ki do triangles congruent hain ki nahi, main hamesha aisa to nahi kar sakti na that I am going to cut out two triangles aur ek ke upar dusre ko rakha and I am going to check ki wo overlap kar rahe hain ki nahi. That is not possible kyunki jo examination hai usme mere paas is tarah se triangles nahi given honge that I cut them out and then see overlap ho rahe hain ya nahi. So I have basically five criterions that I am going to study. ठीक है, एंड इफ दीज क्राइटेरियंस आर फुलफिल्ड, अगर ये सच में हो रहा है देन मीन्स द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. पहला है एस एस एस, दैट मीन्स साइड साइड एंड साइड, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की इक्वल है देन दे आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, देन वी हैव एस ए एस, अगर दो साइड्स और बीच वाला एंगल जो है वो इक्वल है देन एस ए एस लगेगा. देन वी हैव एंगल साइड एंगल, देन वी हैव एंगल एंगल साइड. ठीक है, तो अब ये वाला जो फोर्थ वाला है ना, इसको हम अलग से कभी कभी प्रॉपर्टी की तरह नहीं पढ़ते हैं बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वन ओनली. ठीक है, दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस चैप्टर ओनली कि ए ए एस इज अ क्राइटेरियन दैट इज कम आउट ऑफ ए एस ए ओनली, एंड लास्ट में है हमारा आर एच एस क्राइटेरियन विच इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड. राइट, सो लेट्स स्टडी दीज ट्राइंगल्स इन लेंथ नाउ. मूविंग फॉरवर्ड, पहला क्राइटेरियन है एस 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 क्राइटेरियन. It states that if the three sides of a triangle are equal to the three corresponding sides of the other triangle, then the two triangles are congruent to each other. For example, I am going to make two triangles now, ABC. ठीक है, same हम ले लेते हैं namings. Okay, ABC and PQR. Cool. Okay, so in this case, AB must be equal to PQ. Corresponding AC must be equal to PR and BC must be equal to QR. In this way, I can say that the three sides are equal to each other. तो अगर तीनों sides equal है तो obviously वो triangle congruent ही होगा ना, अगर तीनों का measure same है तो वो हमेशा overlap करेंगे एक दूसरे को. Right? So you always write the reasons, जैसे अगर जब question आएगा that AB is equal to PQ, AC is equal to PR and BC is equal to QR,
गिवन इन द क्वेश्चन या फिर आपने डिराइव किया यू विल मेंशन इट एंड एट द एंड यू आर गोइंग टू राइट दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट का साइन टू ट्रायंगल पीक्यूआर. इसको नेम भी ऐसे ही करेंगे. देखो ए बी सी पहले ए लिखा है तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है कौन सा वर्टेक्स है पी है ठीक है. देन बी के कॉरेस्पॉन्डिंग इज इट्स क्यू. देन वी हैव क्यू ऑन द सेकेंड प्लेस एंड लास्ट में आएगा आर. क्लियर. ओके सेकेंड वन वी हैव एस ए एस क्राइटेरियन. अब ये कह रहे हैं इट स्टेट्स दैट इफ टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ठीक है इज इक्वल टू द टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके जैसे कि लेट्स नेम देम दिस इज ए बी सी ठीक है ये है जी एच आई फॉर एग्जाम्पल. नाउ अगर मैं बोलती हूँ आई एम सेइंग दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी ठीक है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी देन वी हैव ए बी इज इक्वल टू जी एच राइट. आई एम सेइंग दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड लास्ट में आई एम सेइंग दैट बी सी इज इक्वल टू एच आई राइट. सो नाउ इज दिस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल. आई हैव टू साइड्स एंड आई हैव एन एंगल विच आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल बट दिस इज नॉट सफिशियंट क्योंकि मुझे ए एस चाहिए ठीक है. मतलब कि दो साइड्स और उनके बीच में होना चाहिए एंगल ठीक है. तो अगर मैं बोल रही हूँ दैट ए बी इज इक्वल टू जी एच एंड बी सी इज इक्वल टू एच आई तो इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच में तो एंगल ये हुआ ना एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल एच. आई शुड बी गिवन दिस इन द क्वेश्चन तब मैं बोल सकती हूँ एस ए एस क्राइटीरिया इज एप्लीकेबल. यहाँ पे भी साइड है ये बीच वाला एंगल है एंड देन वन मोर साइड राइट. सो द साइड शुड बी इंक्लूडेड ओनली देन दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. नेक्स्ट वी हैव ए एस ए क्राइटीरियन. इसमें क्या होता है इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड. अब इसमें क्या है साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए ठीक है. दे आर इक्वल टू द टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके सो लेट्स नेम इट दिस इज ए बी सी ठीक है एंड दिस इज पी क्यू एंड आर. मैंने इसको ऐसे नेम किया है ठीक है. तो अब अगर मैं आपको बोलती हूँ आई एम सेइंग दैट ए बी इज इक्वल टू पी आर और से लेट्स से पी क्यू. आई एम सेइंग दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. नाउ यू थिंक कि कौन से दो एंगल्स और मुझे इक्वल चाहिए ताकि मैं ये वाला क्राइटेरिया यूज कर सकूँ. नाउ आई नो दैट दिस साइड इज इक्वल सो नाउ आई वॉन्ट कि जो बाकी के इसकी साइड वाले एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएं एक दूसरे के ठीक है. सो दैट दिस रिमेन्स द इंक्लूडेड साइड. सो नाउ आई हैव टू राइट दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ठीक है. तो अब ये हो गया मेरे पास एंगल ये बीच वाली साइड एंड देन वन मोर एंगल. सिमिलरली एंगल बीच वाली साइड एंड वन मोर एंगल राइट. सो द साइड शुड बी इंक्लूडेड इन दिस वन. मूविंग फॉरवर्ड लास्ट क्राइटेरियन लास्ट मेजर क्राइटेरियन वी हैव द राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड क्राइटेरियन. इफ द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल. अब सबसे पहले हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं. इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ये होता है हाइपोटेन्यूस एच वन इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस ऑफ द अदर ट्राइंगल ठीक है एंड वन साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल. अब कोई भी एक साइड ठीक है ये साइड इसकी इक्वल हो सकती है और दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस वन एंड अब ये आर से राइट एंगल होगा. तो अगर दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो एक एंगल जो है वो तो 90 डिग्री का हो गई. तो एक मेरे को इक्वल एंगल मिल गया 90 डिग्री का. एक मुझे मिल गया कि जो हाइपोटेन्यूस है दोनों का इक्वल है एंड परपेंडिकुलरली या बेस में से दोनों साइड्स या कोई भी एक साइड इक्वल है तो मुझे चलेगा. ये तीन चीज़ें मुझे मिल गई तो आई कैन ईजिली राइट दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर राइट. ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर ठीक है. वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन एंड देन दिस विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. यूजिंग एस 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 कॉन्ग्रुएंस फाइंड विच ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ठीक है. अब सबसे पहले लेट्स प्रूव देम कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ठीक है. लेट्स नेम द ट्राइंगल ये देखो. अब इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं
जैसे देखो ये दो ट्रायंगल्स थे मान लो मेरे पास, ठीक है, दीज आर द टू ट्रायंगल्स विद मी, एंड उसके बाद मैंने इन्हें इकट्ठा करके ये वाला फिगर बना दिया. सो दिस वॉज डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल क्या है, जेड. ये वाई कॉमन है दोनों में, वाई, ठीक है, एंड उसके बाद ये है एक्स, राइट. सो ये क्या हुआ, दिस जेड जो है ये आगे को आ गया इस तरह से, यहाँ पे एक्स एंड वाई बिकेम कॉमन. सो नाउ आई हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, दैट डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू जेड वाई. क्यों, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जो दोनों की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो एक साइड जो है इक्वल हो गई, राइट. एंड वैसे भी मुझे SSS क्राइटेरियन लगाना है तो मुझे तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी, ठीक है. उसके बाद देखो ये x एंड y है, ये कॉमन साइड है दोनों की, ये एक्स वाई इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और एक्स वाई इसमें भी है, ठीक है. तो अगर कॉमन है ऑब्वियसली उनकी लेंथ इक्वल होगी. सो नेक्स्ट रीजन यू विल राइट दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड क्यों, बिकॉज दीज आर कॉमन साइड्स, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है. ओके, थर्ड वन, राइट, देन वी हैव टू टॉक अबाउट थर्ड वन. एक सेकेंड, ओके, राइट. एंड थर्ड वन में भी वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट डब्ल्यू वाई, ठीक है, विल बी इक्वल टू जेड एक्स. वाई, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मुझे गिवन है कि SSS क्राइटेरियन ही यूज करना है, ठीक है. तो अगर आपको सिर्फ SSS गिवन नहीं होता, यू वुड हैव बीन गिवन द लेंथ ऑफ द साइड्स, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू प्रूव. तो अब मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि नेम कैसे करना है इस ट्राइंगल को, ठीक है. मैंने क्या बोला था, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के साथ आएगी, क्लियर. सो इफ आई हैव टू नेम, ये जो W है ये किसके साथ कोइंसाइड होगा, आपको दिख रहा है कि अगर मुझे इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रखना है, आई एम गोइंग टू इन्वर्ट दिस वन, और ये जो Z है ये W के ऊपर आएगा. सो W इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू Z, ठीक है. ये जो X है, X किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये जो यहाँ पे पॉइंट Y था, ठीक है. सो X इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू Y, फर्स्ट ट्राइंगल की बात करें, और ये वाला जो पॉइंट है इसका Y इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू X इन द अदर ट्राइंगल, ठीक है. आई एम गोइंग टू इन्वर्ट इट एंड कीप. सो नाउ आई एम गोइंग टू नेम इट एज ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जेड वाई एक्स, ठीक है, जेड वाई एक्स. तो डू वी हैव इट इन द क्वेश्चन, येस, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. अब अगर मुझे नेमिंग चेंज करनी है, यहाँ पे डब्ल्यू वाई एक्स लिखा है तो आप इसे लिख सकते हो ट्राइंगल डब्ल्यू वाई एक्स इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है. अब W के साथ क्या कॉरेस्पॉन्डिंग है, Z, राइट. Y के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल में इट इज X, एंड X के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है Y. सो यू कैन राइट द सी ऑप्शन, इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो. सो वी बी वेरी केयरफुल कि कौन सा वर्टेक्स कौन से दूसरे वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करने वाला है. सो C इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, शो इफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. अब मुझे दिखाना है कि ये ट्राइंगल्स जो हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. ओके, सबसे पहले ट्राइंगल्स का नाम लिखते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंड ट्राइंगल. अब देखो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, आर आएगा ना, जब मैं इसको ओवरलैप करना चाहूँगी, बिकॉज एंगल दिस इज एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो दिस इज आर एस, ठीक है, इन ट्राइंगल, ये इधर हो गया, राइट. ओके, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल आर एस पी, सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट दैट पी क्यू इज इक्वल टू एस आर. वाई, बिकॉज दे आर बोथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है. देन आई एम गोइंग टू राइट एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल एस आर पी क्यू, बिकॉज यहाँ पे गिवन है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है. एक मेरे पास साइड इक्वल हो गई है, एक एंगल इक्वल हो गया, अब आई नीड अनदर एंगल और अनदर साइड इक्वल, ठीक है. सो दिस साइड इज इक्वल पी क्यू और एस आर, ये बीच वाला ये वाला एंगल है, तो आई वॉन्ट कि ये वाली जो साइड है दोनों ट्राइंगल्स की ये भी इक्वल हो जाए. तो ऑब्वियसली पी आर विल बी इक्वल टू पी आर. वाई, बिकॉज दीज आर कॉमन साइड्स, तो आप यहाँ लिख दोगे कॉमन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉमन है तो इक्वल लेंथ होगी. सो दिस इज अनदर साइड, सो यू विल राइट बाय यूजिंग SAS क्राइटेरियन, राइट. ऑलवेज मेंशन इन द क्वेश्चन किस तरह से प्रूव कर रहे हो,
ट्रायंगल PQR विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RSP. क्लियर? ओके. एंड जस्ट अ सेकेंड. Clear to everyone? Let's move forward and please practice as many questions as you can. Okay, if triangle ABC, okay, let's write it down. ABC is congruent to GHI under the correspondence that ABC is corresponding to GHI. Write the parts of GHI which are corresponding to angle B. अब इसका क्या मतलब है? ABC corresponding to GHI का क्या मतलब है? That जो vertex A है वो मुझे रखना है vertex G के सामने. Clear? जो vertex B है मेरा, B जो है वो किसके ऊपर जाएगा? It will be corresponding to H, क्योंकि इस तरह से ना ये बीच में B है, बीच में H है. This is corresponding to H and C is corresponding to I. ठीक है, C is corresponding to I. लाइक दिस. तो एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? ऑब्वियसली जो वर्टेक्स है एंगल बी को कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल एच. सो यू विल राइट एंगल एच ओवर हियर. साइड बी सी, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? एच आई. एच आई विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू बी सी. सो यहाँ पे लिखोगे साइड एच आई. एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? एंगल आई विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल जी. एंड ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है? जी आई. दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग. अब कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब यही है कि एक दूसरे के ऊपर कौन सी साइड आनी चाहिए जब मैं उसको ओवरलैप करूंगी. ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी दिस, इफ दिस फिंगर इज नेम्ड एज फिंगर वन एंड फिंगर टू, देन आई विल से दैट फिंगर वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू फिंगर टू एंड ओनली देन दीज विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ओके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आप क्या कर सकते हो, घर पे आप एक्टिविटी भी कर सकते हो. यू कैन बेसिकली कट आउट टू ट्राइंगल्स दैट आर इक्वल. फिर आप देखोगे जब आप उसको यू नो यू आर ट्राइंग टू ओवरलैप देम, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर साइड ही अगर आप दूसरे के ऊपर रखोगे तभी ओवरलैप होगा, नहीं तो समथिंग विल बी लेफ्ट. ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. देन द लास्ट वन वी हैव AAS क्राइटेरिया. इफ AAS रूल अप्लाइज देन वी कैन शो दैट ASA रूल विल ऑल्सो अप्लाई. तो ये जो रूल है ना बेसिकली एंगल एंगल साइड, ये कहाँ से आया है? ASA से ही आया है. ठीक है, दो एंगल और एक साइड, इसमें क्या था, जो साइड है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए. नाउ इन दिस केस यू विल सी दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. ठीक है, एंड व्हाट इज गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू पी आर. ठीक है, एंगल एंगल एंड साइड आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट? ओके, अब मेरे को ए एस से बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए कि जो ये वाला एंगल है ना, एंगल ए और एंगल पी, ये भी इक्वल होते तो क्या होता, ये जो एंगल है ये इक्वल हो जाता इसके. ठीक है, देन दिस इंक्लूडेड साइड वुड हैव बीन इक्वल एंड दिस थर्ड एंगल वुड हैव बीन इक्वल. तो ए एस ए अपने आप लग जाएगा. नाउ इफ आई एम गिवन दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, 40 और 80 दोनों साइड इक्वल है, तो ऑब्वियसली जो थर्ड एंगल है वो भी तो इक्वली होगा यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट? सो व्हाट विल बी द थर्ड एंगल? 180 माइनस 120, राइट, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो ये जो थर्ड एंगल है ये दोनों साइड पे 60 डिग्री है. नाउ यू कैन ऑल्सो शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बीच वाली साइड दैट इज ए सी इज इक्वल टू पी आर, एंड एट द एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंड यूजिंग ए एस ए क्राइटीरियन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एंड आर. ठीक है, तो अगर ए ए एस आपको इस तरह से दिखता है ना, दो एंगल और साइड वाली साइड दैट बी विच इज आउटसाइड ऑफ द टू एंगल्स, स्टिल यू कैन प्रूव कि थर्ड एंगल इज इक्वल टू ईच अदर एंड देन ए एस ए क्राइटीरियन कैन बी अप्लाइड. ओके, चलो. ओके, ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्राइंगल एंड हाउ. ठीक है, बी सी ए, अब मुझे इसे नेम करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कौन सा, कोई भी इसके अंदर वी कैन यूज एनी व्हाट डू वी से, कोई भी हम इसमें क्राइटेरियन यूज कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट दैट बी टी, साइड बी टी इज इक्वल टू साइड बी सी. वाई? बिकॉज दे आर इक्वल टू ईच अदर एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, ये जो है ये इक्वल के मार्क्स होते हैं, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है. क्लियर? उसके बाद मैं लिख सकती हूँ दैट एंगल ए बी टी, ये वाला एंगल जो है ए बी टी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला जो एंगल है.
ठीक है, why? Because it is given in the question, ये equal है. तो अब एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो मुझे एक और साइड चाहिए जो इक्वल हो एंड एंगल उनके बीच में इंक्लूडेड होना चाहिए. सो लाइक दिस आई कैन प्रूव दैट बी ए इज इक्वल टू बी ए. वाई? बिकॉज ये कॉमन एंगल्स हैं, सो ऑलवेज मेंशन द रीजन दैट दीज आर कॉमन. ठीक है, दैट इज वाई आई कैन सी दैट से दैट यूजिंग एस ए एस रूल को यूज करते हुए ट्राइंगल. अब कौन सा ट्राइंगल? उन्होंने बोला बी सी ए के कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्राइंगल है. सो बी सी ए, अब सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वर्टेक्स होगी? टी. ठीक है, बी तो कॉमन ही है. ठीक है, सी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? टी. एंड लास्ट में ए इज ऑल्सो कॉमन, सो बी टी ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी टी ए. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, नाउ आई हैव बी डी एंड सी ई. बी डी एंड सी ई आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी ई. ठीक है, इसके अंदर आपको गिवन है दैट दिस बी डी इज इक्वल टू सी ई. सो आपको बताना है इस सी बी डी, ये है सी बी डी, ये वाला जो ट्राइंगल है सी बी डी लाइक दिस, इज इट कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ई. सो दिस इज अनदर ट्राइंगल बी सी ई. इस तरह से जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से है बी सी ई. एंड ये जो जो ट्राइंगल्स है दे हैव बिन यू नो पुट टूगेदर एंड बी के ऊपर बी आ रहा है दैट वे. ठीक है, सो यू हैव टू प्रूव दैट इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. सो विल यू बी एबल टू डू इट? ओके, सो देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया लगेगा. सबसे पहले तो मुझे ऑलरेडी गिवन है बी डी इज इक्वल टू सी ई. ठीक है, बी डी इज इक्वल टू सी ई, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो एक साइड जो है बी डी और सी ई, ये वाली और ये वाली तो इक्वल हो गई. ठीक है, देन आई एम गिवन कि ये जो दो एंगल्स हैं एंगल डी और एंगल ई, ये भी इक्वल हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं. ठीक है, दीज आर 90 डिग्री एंगल, सो आई कैन राइट दैट एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी. वाई? बिकॉज दे आर 90 डिग्री एंड इट्स गिवन इन द क्वेश्चन कि ये इक्वल है. राइट, अब मेरे को चाहिए एक और साइड विच शुड बी इक्वल. राइट, सो इन दैट केस आई कैन सी से दैट ये जो बी सी वाली साइड है इट इज कॉमन, दैट बी सी विल बी इक्वल टू बी सी. राइट, ओके, मिनट. Right, BC is equal to BC because this is common. ठीक है, so I can say that yes, it is equal to each other क्योंकि angle भी equal है और दो sides भी equal to each other है. Right, clear to everyone? Okay, let's move forward. Prove that the triangles are congruent. अब इसके अंदर कैसे प्रूव करूंगी? In triangle AOC, ठीक है, let's say AOC एंड ट्राइंगल. अब नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट कौन सा होगा? आप देखोगे कि ए के साथ जो कोइंसाइड होगा पॉइंट वो होगा बी. ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी. नाउ लेट्स प्रूव दैट सी ओ इज इक्वल टू डी ओ. वाई? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, देन ए ओ इज इक्वल टू बी ओ. वाई? इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल है. एंड अब मुझे चाहिए ये वाली साइड इक्वल हो गई इसके. ठीक है, this side AO is equal to BO. Now I have two sides that are equal to each other, so I need an included angle. तो मुझे prove करना है कि ये जो angle है angle O दोनों तरफ ये equal है. So yes, I can say that angle COA is equal to angle BOD. Why? Because these are vertically opposite angles. ठीक है, और ये हमने lines and angles वाले chapter में बहुत अच्छे से पढ़ा था that vertically opposite angles are equal to each other. सो नाउ यूजिंग द एस ए एस क्राइटीरियन, ठीक है, एस ए एस यूज करके प्रॉपर्टी आई कैन से दैट ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी. ठीक है, सो हम इस तरह का भी रूल यूज कर सकते हैं दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. ओके, इन द फॉलोइंग फिगर शो दैट पी एस क्यू इज इक्वल टू पी एस आर. ठीक है, दैट पी एस क्यू इज इक्वल टू पी एस आर. सो इन दिस केस वट हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव इट? सो लेट्स से इन दीज ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल पी एस क्यू एंड ट्राइंगल पी एस आर, सबसे पहली साइड जो मुझे दिख रही है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर,
Why? Because these both are equal to 6.5 centimeter, right? दोनों ही 6.5 centimeter है and it is already given in the question. तो आप reason में क्या लिखोगे? Given in the question. Okay, next I can say that angle PSQ is equal to angle PSR, which is equal to 90 degree. ठीक है, ये दोनों 90 degree के हैं. So therefore, these are also equal and it's given in the question. ठीक है, अब मेरे पास आ गया एक right angle. ठीक है, एक मेरे पास आ गया है hypotenuse. And now I need one side which is equal to each other. अब मेरे को QS is equal to QR ऐसा तो कुछ नहीं given. But I can write that PS is equal to PS. Why? Because these are common sides. अगर common है तो length भी same ही होगा ना. PS का length दोनों side same होगा. दोनों side देखो PS वाली side आ रही है. So now I have one right angle, one hypotenuse and one side. So I'll write that by using RHS criterion, these triangles, that is triangle PSQ, is congruent to triangle PSR. ठीक है, जहाँ पे 90 degree दिख जाए, you can try to use the RHS criterion. Okay, so in the given figure, AP is equal to BQ, right? AP is equal to BQ, just a second. Okay. क्या गिवन है? AP, this AP is equal to BQ, okay? PR, this side, इतनी सी side जो PR है, that is equal to QS, this one, इतना, these are equal. Now I have to show that triangle APS, ठीक है, this whole triangle APS is equal to BQR, ठीक है, equal to or congruent to BQR, ठीक है, so how am I going to prove it? सबसे पहले I am going to write that AP is equal to BQ, which is given in the question already. ठीक है, उसके बाद मेरे को given है that PR is equal to SQ. ठीक है, अब ये already given है. अब अगर ये जो RS है, ये दोनों में common जगह है ना, RS. अब PR और SQ तो equal. अब मैं दोनों साइड अगर RS को add कर देती हूँ, तो still ये जो equality है, ये रहेगी, क्योंकि दोनों साइड RS को add किया है. So I can write that PS is equal to, अब ये पूरा कितना हो जाएगा, RQ. RQ है ना, हाँ ठीक है, PS is equal to QR, RQ or QR, you can write anything. ठीक है, ये दूसरी साइड हमने अभी प्रूव की है कि this is equal to each other. ठीक है, एंड बीच में मेरे पास क्या है, that angle APS is equal to angle BQR. Why? Because it is 90 degree का given है. Okay? तो अब क्या इसके अंदर RHS लगेगा? Should I use the RHS criteria? But I cannot use it, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता जो hypotenuse है, AS, is it equal to BR? ये तो question में कहीं पे given ही नहीं है ना. So I will work with what I already have. ये एक side equal है, ये बीच वाला angle equal है, ये sides equal हो गए, ठीक है? P और Q angle equal हो गए, ठीक है? And उसके बाद एक और side, जो इसके side पे था, ठीक है? मतलब included angle is equal. So I'll use which criteria? By using SAS rule. SAS rule, triangle APS is congruent to triangle BQR, right? So like this you are going to prove. तो ऐसा नहीं है 90 degree देखते ही तो हम RHS rule नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें क्या requirement है कि जो hypotenuse है वो भी same होना चाहिए. ठीक है, but in this case this was not given. चलो, one more question we are going to solve. The given figure, in the given figure PQ is parallel to RS. ठीक है, ये जो PQ है, it is parallel to RS, ठीक है, and PQ is also equal to RS. Prove that PUQ, okay, we are going to write in triangle PUQ and triangle SUR. अब we are going to start proving कि किस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये equal हैं कि नहीं है. Okay, first of all, it's given that PQ is equal to RS या SR, which is equal to 4 centimeter. This is already given in the question. Clear? Okay. Next, what I can use, let's talk about, okay.
अब ये देखो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में मुझे गिवन है दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस और इस तरह से ये एक ट्रांसवर्सल हो जाती है, तो ये वाला जो एंगल है राइट, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, सो दैट दिस मीन्स दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस एंड ये दूसरा जो है मेरा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है. सो आई कैन ऑल्सो राइट दैट एंगल यू पी क्यू इज इक्वल टू एंगल यू एस आर, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो रहा है, ठीक है, यू एस आर. वाई? बिकॉज रीजन क्या लिखोगे, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट. सो अब देखो एक और एंगल जो मैं यूज कर सकती हूँ, दैट इज दीज टू एंगल्स, दैट एंगल पी यू क्यू इज इक्वल टू एंगल एस यू आर, ठीक है. वाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो अब अगर मैं इसको यूज करती हूँ तो मेरे पास दो एंगल्स ए ए एस क्राइटेरियन बन रहा है, एस से एस नहीं बन रहा है, ए ए एस बन रहा है बिकॉज इट इज नॉट द इंक्लूडेड साइड. तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए ए एस क्राइटेरियन लग रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ए एस से भी बन जाएगा. वाई? क्योंकि अब ये जो थर्ड एंगल है ये भी तो इक्वल टू ईच अदर हो जाएगा यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर आप सीधा भी इसी को यूज कर सकते हो दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि ये दोनों भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है. सो एट द एंड यू कैन से बाय यूजिंग ए एस ए क्राइटीरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है. ए एस भी लग रहा है, ए एस से भी लग सकता है, सो यू कैन यूज एनी ऑफ देम. एंड रीजन याद रखना कि अगर यहाँ पे पैरेलल गिवन है तो मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को जो है इक्वल बना सकती हूँ, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. सो दैट्स ऑल इन द चैप्टर गाइज, ठीक है. आपको सारे क्राइटेरियंस याद करने एंड यू शुड नो दैट हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई देम टू डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है. ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री देख लिया तो सीधा RHS लगा दो, ये भी देखना है कि साइड और हाइपोटेन्यूस इक्वल है कि नहीं. ओके, सो दिस इज अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन विच हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड वेरी लेस कॉस्ट. लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो, टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू बी टीचिंग यू, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के PDF की फॉर्म में. प्राइसिंग की बात करें, इतने सारे बेनिफिट्स के लिए इतने कम प्राइजेस आर एप्लीकेबल. आप डिफरेंट पैकेजेस हैं, जैसे 3 months, 6 months, 12 months, आप कोई भी पैकेज ले सकते हो बिकॉज द पर मंथ कॉस्ट इज वेरी वेरी लेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 15 months का लेते हो, टोटल कॉस्ट इज 18,000 पर आप पर मंथ भी पे कर सकते हो. सो आफ्टर डिस्काउंट यू हैव टू पे ओनली ₹1200 पर मंथ, राइट. एंड ऑल्सो फ्लैट 10% ऑफ आपको कैसे मिलेगा, इफ़ यू विल यूज द कोड SPGSS10. मूविंग फॉरवर्ड, आइकॉनिक में क्या है, प्लस के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, उसके अलावा पर्सनल मेंटर, वन टीचर वन स्टूडेंट एंड ऑल द फोकस विल बी ऑन यू पीपल, ठीक है. स्पेशल फोकस मिलेगा, स्पेशल अटेंशन मिलेंगे, सारे बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे, लाइव डाउट सोल्यूशन होगा, स्टडी प्लानर, टाइम टेबल, सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन अ वेरी लेस कॉस्ट. इसके भी डिफरेंट पैकेजेस हैं. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 18 months का लेते हो, टोटल कॉस्ट 35,000 है, पर मंथ पे कर दो तो ओनली ₹1944 पर मंथ. एंड इवन योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी हैप्पी विद दिस बिकॉज ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड. 10% ऑफ इस पे भी मिलेगा इफ यू विल यूज द कोड SPGSS10. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द चैप्टर्स. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्राइटेरियन. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल्स. लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी. Thank you so much.